हाय फ्रेंड्स, मैं प्राची दुर्गा महाराज। मैं आपके लिए एक छोटी मगर प्यारी सी स्टोरी लाई हूँ जिसका नाम है भालू और रानी मधुमक्खी। इसमें आप देखेंगे कि कैसे एक छोटी मधुमक्खी एक बड़े से भालू को अपने छत्ते का रखवाला बना लेती है। तो चलिए स्टोरी शुरू करते हैं। एक बार एक भालू किसी जंगल में खाने की तलाश में इधर उधर भटक रहा था। वो बहुत ही भूखा था और उसे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला था। थोड़ी दूर भटकने के बाद उसे एक पेड़ पर मधुमक्खी का छत्ता लटकता दिखाई दिया। वो बहुत खुश हो गया और उसने सोचा कि वो आज उस छत्ते का शहद खाकर ही अपना पेट भरेगा। वह जैसे ही छत्ते को तोड़ने आगे बढ़ता है, एक मधुमक्खी उसे रोककर चिल्लाते हुए कहती है, ए भालू, क्या तुम्हें नहीं पता कि पूरे जंगल में कोरोना की वजह से लॉकडाउन है और इधर उधर घूमना मना है। तो भालू कहता है, मैं बहुत ही भूखा हूँ और मुझे बहुत दिनों से कुछ खाने को नहीं मिला है और मैं खाने की तलाश में यहाँ तक पहुँचा हूँ। इस पर मधुमक्खी को भालू पर दया आ जाती है और वो कहती है, ठीक है, तुम यहीं रखो, मैं तुम्हारे लिए कुछ करती हूँ। यह कहकर मधुमक्खी अपनी रानी के पास जाके कहती है, रानी जी, एक बड़ा सा भालू हमारे छत्ते के पास आया है और हमारे छत्ते को तोड़ने वाला था। यह सुनकर रानी मधुमक्खी कुछ देर सोचती है और बाहर जाके भालू से कहती है, भालू जी, आप इतनी दूर से हमारे छत्ते के पास क्यों आए हो? तो भालू दोबारा कहता है कि मैं बहुत भूखा हूँ और मुझे बहुत दिनों से खाना नहीं मिला है, क्या मुझे आपका थोड़ा सा शहद मिलेगा? तो मधुमक्खी कहती है, हाँ, मैं शहद दूंगी, पर उसके लिए मेरी एक शर्त है। इस पर भालू कहता है कि मुझे आपकी हर शर्त मंजूर है। तो मधुमक्खी कहती है, तो ठीक है, सुनो मेरी शर्त। अब से जब भी हम फूलों का रस लेने अपने छत्ते से बाहर जाया करेंगे, आपको हमारे छत्ते की रखवाली करनी होगी और फिर जब हम वापस आएंगे, बदले में आपको थोड़ा सा शहद दे देंगे। तो भालू खुश होकर कहता है, ठीक है, मुझे आपकी यह शर्त मंजूर है। तो इस प्रकार उस दिन से हर रोज भालू मधुमक्खी की छत्तों की रखवाली करता और बदले में उसे थोड़ा शहद मिल जाया करता। भालू भी खुश और मधुमक्खियां भी खुश। तो फ्रेंड्स, हमें इस स्टोरी से यही शिक्षा मिलती है कि आप अगर थोड़ी सूझबूझ से काम लें तो आप दूसरों के फायदे में भी अपना फायदा ढूंढ सकते हैं। तो अगर आपको मेरी ये स्टोरी अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा लोग तक शेयर कीजिए। बाय फ्रेंड्स, मिलती हूँ अगली वीडियो में। स्टे होम, स्टे सेफ। शुक्रिया।